नमस्कार, आप सबका स्वागत है, पधारिए। हेलो, आपने सब अपना मुख्य मेहमान श्रीमती स्मृति बेन ईरानी नु स्वागत करिए। अपना भारत माता की, भारत माता की वंदे। हवे आपने बताने स्मृति बेन ने हम बरवाना से भाई बराबर से मारी बात आपने कोई बोलवानु नथी बेन ने सांभरिए ने अपने एमनी पास थी मार्गदर्शन करेगी। भारत माता की जय, भीम जय, संविधान। संविधान दिवस की આજે ઉજવણી નિમિત્તે આપણા બધાના સૌભાગ્ય છે કે કોડીનારમાં આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી માનની સ્મૃતિબેન, સર્વે મંચસ્થ મહાનુભાવો, માફ કરજો હું નામ નથી લેતો કારણ કે સમય ઓછો છે, સર્વે કોડીનારની શાંતિપ્રિય જનતા, ભાઈઓ બહેનો, આપનું આજે સંવિધાન દિવસ નિમિત્તે હું આપને સંવિધાન દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ આપું છું। कि ये रुतबा मुझे इस संविधान ने दिया है, ये मान सम्मान भी मुझे इस संविधान ने दिया है, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी इस संविधान ने दिया है। जय संविधान। जेना माटे थोड़ू नाना मारू माइक नहीं तमारी आवाज भारत माता की आटा मारे छे भारत अखा मा અને કે છે કે ભારત જોડો યાત્રા કરે છે। કોની ચર્ચા કરું છું? તેમના સુધી અવાજ પહોંચવી જરૂરી છે કારણ કે કાલે એમની યાત્રામાં કોઈએ પાકિસ્તાન જિંદાબાદ ના નારાઓ આપ્યા, હવે આ ભાઈ સુધી આપણી અવાજ પહોંચે તો બોલો ભારત માતા કી। मंच पर विराजमान आदरणीय दीनू भाई जेमना माटे हमें बताया, पड़ी जसो संभाड़ी ने प्रद्युमन भाई, मने वो लागे छे मारी कई जरूरत नहोती, तमे तो जीतवाना छो आवा लक्षणों छे, એટલે આજે આ બધા ભાઈઓ તરફે બહેનો તરફે તમને આવનારી ચૂંટણીની જીતની હું શુભકામના આપું છું, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું। ઓર અભિનંદન કે પાત્ર આપ ઇસલિયે હૈ હિન્દીમાં એટલા માટે બોલું છું પ્રદ્યુમનભાઈ, કેજરીવાલને અને રાહુલજીને ગુજરાતી આવડતી નથી, હિન્દી મેં ઇસલિયે કહે રહી હું કે જિનકે કાનો તક આ જનતા કી આવાજ પહોંચની ચાહીએ वो ये मांग कर बैठे कि जब चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में तो गुजरातियों को गाली देंगे और जब गुजरात में चुनाव होगा तो हाथ जोड़कर गुजरातियों के सामने आकर राजनीतिक पाखंड करेंगे। इसलिए ऐसे राजनीतिक और सामाजिक पाखंडियों के पास हमारी आवाज पहुंचे, यही आज मैं निवेदन करने आपके मध्य में आई थी। इनका अहंकार भयंकर है। साल 2013 में कांग्रेस पार्टी का अहंकार ऐसा था कि देश भर में जब गुजरात के एक लाडले बेटे को, गरीब मां के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया तो इन लोगों ने उपहास करते हुए कहा कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ત્યારે ગુજરાતીઓએ કહ્યું હતું કે ભાઈ જોઈ લેશું, બતાવશું કે કેવી રીતે ચાવાળો બનશે વડાપ્રધાન। ઇનકા અહંકાર એસા કે ગુજરાત કે ઇસ વિધાનસભા કે ચુનાવ મેં એક બાર ફિર કોંગ્રેસ પાર્ટી કે નેતાઓ ને દુસાહસ કરતે હુએ કહા કે નરેન્દ્ર મોદી કો ઉસકી ઔકાત બતા દેંગે। आज इस पुण्य भूमि से, इस वीर भूमि से मैं कांग्रेस को चुनौती देना चाहती हूँ, दम है तो गुजरात की हर विधानसभा सीट पर गांधी खानदान को लाकर प्रचार करवाओ,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जनता बताएगी किसकी क्या औकात। रस्सी जल गई बल नहीं गया और पाखंड कैसा, जब केंद्र में ये पार्टी सत्ता में थी तब हिंदुओं को आतंकवादी कहती थी, जब केंद्र में ये पार्टी सत्ता में थी तो संविधान को रौंदते हुए जब जी चाहा किसी भी प्रदेश की सरकार को गिरा देती थी, जब केंद्र में ये पार्टी सत्ता में थी। आज प्रद्युमन भाई संविधान दिवस की बात कर रहे, 26/11 का दिन है आज। तब जब आतंकी हमला हुआ मुंबई पर तो तब के कांग्रेस के नेता और गृह मंत्री चार चार पांच पांच बार मीडिया के लिए कपड़े बदलने में मसरूफ थे, उन्होंने मरते हुए हिंदुस्तानियों तक मदद नहीं पहुंचाई थी जब केंद्र में इनकी सत्ता थी। आज तो बड़े भगत बने फिरते हैं। तब इन्होंने कोर्ट में दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। जब केंद्र में इनकी सरकार थी तब मनमोहन सिंह ने साल 2008 में कह दिया मैं 1,40,000 करोड़ का बोझा हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी पर छोड़कर जा रहा हूं। जब केंद्र में इनकी सरकार थी तब गुजरात के बारे में प्रपंच क्या करते थे, दीनू भाई को याद है, एक एक गुजराती जो देश की संसद में जाता था हमको सेंट्रल हॉल में खड़ा करके हमारा उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे, आई गया गुजराती। जब केंद्र में इनकी सरकार थी तब मां नर्मदा का पानी रोका ताकि गुजरातियों तक पानी ना पहुंचे, हम पानी के लिए तड़पते रहे और अब ढोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की आरती उतारते हैं। मैं कहना चाहती हूं राहुल गांधी से कि आरती जब आप उतार रहे थे चोगा उल्टा पहना था। ओम जो हमारे लिए आराध्य है उल्टा पहना था, और आचार संहिता में लिखा है सनातन धर्म के कि अगर पाखंडी आरती करे तो वो अच्छा कर्म नहीं दुष्कर्म माना जाता है। अरे ये जनता से छल कर गए, अब भगवान के साथ छल कर रहे हैं, जो भगवान के ना हुए वो आपके क्या खाक हो पाएंगे। तो है हिम्मत लड़ी रिया छे कांग्रेस ना कोई उम्मीदवार यहां थी, आज कांग्रेस ना उम्मीदवार ने कहू छू आटली कॉन्फिडेंस छे। एक बार राहुल गांधी ने बोला यहां बोलाओ खबर पड़ छे, आटली कॉन्फिडेंस छे सोनिया मैडम ने बोलाओ। आप बता नहीं जवा दो, जीजा जी ने बोला भी नहीं तो बताओ नहीं बोला विषय, कारण के कांग्रेस ना इतिहास में पहली बार एवं थयू छे के कांग्रेसियों पोतानी पार्टी में कहे छे गांधी खानदान ने अध्यक्ष नथी करवू। हिमाचल में चूंटनी थई त्या कांग्रेस पार्टी ए नक्की कर्यु भाई राहुल ने आवा नहीं देता, अहीं गुजराती राह जोईने बैठा छे, आओ बेटा क्यारे आवशो। अने हालत एवी प्रद्युमन भाई एक दिवस माटे आया था भाई, अने भाषण आपता था भरत सिंह सोलंकी हता मंच ऊपर, सोलंकी भरत सिंह सोलंकी ए पण जवा दीधु अने कहो बापू जवा दे तारू तो मारा थी ट्रांसलेट न थतु बेसी गयो। मतलब कि कांग्रेस का नेतृत्व कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि कांग्रेस एक खोखली राजनीतिक पार्टी है जो विचर रही है चल रही है लेकिन समाधान तक विकास के लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेगी। आज घनी बधी बहनों मारू स्वागत कर्यू, मन्ने सम्मान आप्यू, बधी स्नेही बहनों बदल हूँ आभार व्यक्त करू छू। अने भाभीए मने कह्यू तू के भाई हवे तमने मळवानी बहनों नी डबल इच्छा थई।
पहला तो तुलसी तुलसी हतो, हवे तो खबर पड़ी छे कि आ बेन दुश्मन ना घर मा घुसी ने जीती ने आवी शके। जारे हूँ दुश्मन कहूँ त्यारे आघात लागे छे कांग्रेसियों ने, तुम्हें दुश्मन, अरे तुमने जनता का पैसा लूटा, चाहे कोई भी घोटाला हो, तुम्हारे नेतृत्व की हिमाकत ऐसी, हिम्मत ऐसी कि कांग्रेस के नेता ने सरेआम कहा कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गांव गरीब तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। कांग्रेस के नेता ने खुद स्वीकार किया कि 90 पैसा कांग्रेस का नेता, कांग्रेस पार्टी खा जाती है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी वड़ा प्रधान बने, उन्होंने पहला काम किया कि हर गरीब का बैंक का खाता खोलो ताकि भारत की तिजोरी से पैसा निकले तो सीधा हिंदुस्तानी के बैंक के खाते में जाए। 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का पहली बार बैंक अकाउंट अगर किसी ने खोला तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो आज जोंग करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं टीवी पर, कैमरा ऑफ थी जाए पची शांत थी जाए, गुस्सो दिखाड़े छे कि मैडम जो इलेशे तो मैडम ने उलाक्षे हूं काम करो छो, लेकिन ये जो ढोंग करते हैं गुस्से का, आज उनसे पूछना चाहती हूं, 1,40,000 का, 1,40,000 करोड़ का आप बिल छोड़कर गए, उसमें से 90,000 करोड़ रुपया का बिल चुकाया मोदी ने। 8 करोड़ गरीब औरतों के घर में धुआं था 70 साल की राजनीति में, 8 करोड़ गरीब औरतों को गैस का कनेक्शन जीवन में पहली बार दिलाया मोदी ने। यह सत्य है कि जब कोरोना की महामारी आई, मौत सामने मंडरा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गांव गांव जाकर सैनिटाइजर और मास्क बांट रहा था, कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। यह सत्य है कि जब कोरोना आया तो 28 महीने मुफ्त अनाज अगर हर गरीब तक पहुंचाया तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। ये सत्य है। और एक सत्य ये भी कि जब मोदी ने कहा कि जनता की जान बचानी है, वैक्सीन लगाना है, तो ये पाखंडी आकर जनता से कहने लगे मोदी ने वैक्सीन नहीं लगाता, ये चाहते थे कि गरीब मरे तड़पे और इनकी राजनीति आगे बढ़े। पणामे कोई मोदी ने गुजरात को शेर नहीं कहते तो पोते गया हॉस्पिटल में पहलो वैक्सीन पोते लीधु अने देश आखा ने कहू कि भाई जीवन बचाओ, वैक्सीन लगाओ, अने 200 करोड़ वैक्सीन नी मुफत डोज आ देश में कोई आपी तो नरेंद्र भाई आपी है। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के पुण्य अवसर पर प्रद्युमन भाई ने अपना उल्लेख किया, अपना वक्तव्य दिया, लेकिन अगर संविधान दिवस मनाया किसी ने हिंदुस्तान में तो उन पाखंडियों ने नहीं मनाया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बनाया। और संविधान की अगर खानदान को इतनी चिंता थी तो आज कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि धारा 370 हटाने के लिए जब मोदी सरकार ने संसद में प्रस्ताव दिया तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? तो भलुताय भगवान नु कि एक बार नरेंद्र भाई नक्की करी लीधु कि भाई धारा 370 काढ़ो, इतने में बार करियो। ने आज राहुल गांधी शू कहे छे भारत जोड़ो यात्रा में, कहे छे मैं जाऊंगा अब कश्मीर, मारो बेटो आवे जसे मैं जाऊंगा, आमाम करीने भाषण आपतो तो मैं जाऊंगा लाल चौक पे, मैं तिरंगा रहलाऊंगा। अरे जब आतंक का साया था तो गुजरात का शेर गया था कश्मीर में तिरंगा लहराने। आज तुम जा सकते हो क्योंकि मोदी की सरकार है। जब माता जी की सरकार थी तो लाल चौक नहीं जा पाए राहुल गांधी, ये फर्क है। एक तरफ ये पाखंडी, दूसरी तरफ रेवड़ी वाले।
आयो नहीं आयो ना, पर सूरत गई थी त्यां पण एना दफ्तर नी ऊपर तारो हतो, आटली मोटी बूमा बूम करतो तो दिल्ली मां मने एवुं लाग्युं के हशे कदाच ऊपर शोधती थी क्या छे। ने हिम्मत जुओ, आपणा प्रदेश मां केटली बधी चूंटणीओ थई, गमे एम अमे चूंटणी मां एक बीजाना प्रतिद्वंदी छीए, पण कोई ने बान अमे गाड़ो नथी आपता। आ માણસના છોકરાઓએ નરેન્દ્રભાઈની 100 વર્ષની બાને ગાડો આપી, અને મને જ્યારે દિલ્હીમાં કોઈએ પૂછ્યું, મેં કીધું કેજરીવાલમાં દમ હોય તો ગુજરાતમાં આવીને બોલીને બતાવ, ખબર પડશે। ઓર સંસ્કાર કા પરિચય તો જેલ મે મિલ ગયા। હા હા, ડ્રાય ફ્રૂટ ખાય છે જેલમાં બેસીને, બાર દિલ્હીમાં લોકો પાસે પીવાનું પાણી નથી, ના બાપુ બેસીને ડ્રાય ફ્રૂટ ખાય। હા, મારાથી બોલાતું નથી ભાઈ, પણ કોણ છે એની સાથે જેને એક નાની દીકરીનું બલાત્કાર કર્યો એનાથી સેવા કરાવે છે પોતાની? આપણા સમાજમાં આવા લોકોને આપણે ઘૂસવા દઈએ એટલે જ અહીંયા નથી, નહીં તો ઠેકાણે પાડી દે બધા પબ્લિક। इसलिए आज प्रद्युम्न भाई देखकर ये लगता है जिस जोश के साथ आप भारत मां का जयकारा लगाते हो उतना जोश पूरी यात्रा में कांग्रेस पार्टी की सुनाई नहीं दी। जिस जोश के साथ आप भारत मां का जयगान करते हो उतनी श्रद्धा कांग्रेस पार्टी की यात्रा में कभी सुनाई नहीं दी। जब तमिलनाडु से निकले थे कांग्रेस के ये नेता तो एक ऐसे व्यक्ति को अपने संग ले चले जिसने कहा कि भारत की धरती पर अगर पैर रखा तो बीमार हो जाओगे, ये मैली है धरती। जब केरल में गए तो एक ऐसे सज्जन के खंभा के ऊपर हाथ रखा जिसने गौ माता की हत्या करके फोटो चढ़ा दिया। अरे जब घूमते रहे तो एक ऐसे परिवार के साथ चलने लगे जिसने डेविड हेडली की सहायता की थी, वो डेविड हेडली जिसने 26/11 को हिंदुस्तानी कैसे मौत के घाट मुंबई में उतारे जाएं उसका पूरा षड्यंत्र रचा। इसलिए आज राष्ट्रभक्त राम भक्तों से मैं कहने आई हूं कि ये चुनाव मात्र प्रद्युम्न भाई का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक संदेश है उस पाखंड को कि पहले आप पाखंड करते थे दूसरे धर्मों के साथ, आपको पता चला कि अब ये धर्म के लोग इस समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे तो अब कोट पर जनेऊ पहन के घूम रहे हो। पहले पाखंड करते थे गुजरात में मां नर्मदा के पानी को, उस पुण्य जल को घरों तक पहुंचने नहीं देते थे, आज आरती उतार रहे हो। पहले हिंदू को आतंकवादी कहते थे, आज ललाट पर चंदन का टीका लगा रहे हो। अरे यही लोग अमेठी आते हैं तो नमाज अदा करते हैं, हर धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, हर व्यक्ति का अपमान करते हैं। जो समाज के ना हुए वो वोटर के कभी ना हो पाएंगे, संविधान तो दूर की बात है, ये इंसानियत के काम भी नहीं आएंगे। और इसीलिए आज फरी एक बार प्रद्युम्न भाई और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रद्युम्न भाई की तरफ देखकर ये कह रहे हो, क्योंकि हमारी पार्टी में परिवार मठाधीश नहीं है, जनता ही प्रजा ही राजा है। और प्रजा की इच्छा थी कि प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार आए, प्रजा की इच्छा थी कि 2 दशकों तक भाजपा के साथ चलकर हम नया प्रदेश और विकासशील देश बनाए, प्रदेश की इच्छा थी कि वड़ा प्रधान की भूमिका में अगर हमको दुश्मन देश आंख दिखाए तो हम आसमान चीरते हुए दुश्मन देश पर जाएं और हिसाब पूरा करें, ये जनता की इच्छा थी। लेकिन कांग्रेस की क्या इच्छा थी?
अरे हिंदुस्तान की सेना ने जब जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन देश को, तो राहुल गांधी ने खड़े होकर संसद में भारत की सेना से कहा प्रमाण लाओ। अरे कोई अपनों से प्रमाण मांगता है उनकी शौर्य का? हिंदुस्तान की सेना की शौर्य के बारे में किसी को यहाँ पे कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट है? राहुल गांधी को है। और इसीलिए संसद में मैंने तब भी कहा था, आज भी कहती हूँ कि वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों पर अगर कान लगाकर सुनोगे तब भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। तो माँ भारती का उल्लेख कर संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं। प्रद्युमन भाई, इस निवेदन के साथ कि दीनू भाई आज प्रचार में मैंने आदेश करो तो तमे आओ, जीत्या पछी फरी एक बार बोलाव जो, कारण के घणी बधी दीकरीओ भाभीओ ने बाओए मने आम करीने आम करीने काढ़ी माम कर्यु छे, मने खबर तमारे हाथ पकड़ू छे, પ્રદ્યુમન ભાઈ આપ સૌનો આશીર્વાદ, પ્રદ્યુમન ભાઈ દિનુભાઈ સાથે રહે, 1 તારીખ કો બટન દબેગા, બટન દબેગા, બટન દબેગા, બટન દબેગા, ભાઈઓ ને સંભળાતું નથી દિલ્હી સુધી, બટન દબેગા, બટન દબેગા, તો બોલો ભારત માતા કી જય।